जी मदीहा जावेद हैज जॉइंड अस, हु इज अ वर्किंग मदर और इनका बेटा जो है ही गोज टू डे केयर. मदीहा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर. और साथ ही हमारे बैठी हैं आलिया सारिम जो कि वाइस चेयरपर्सन है सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की. आलिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप इधर आई हैं. सो वॉट पीपल से और जो बात हो रही है कि क्या घरेलू माएँ जो घर में रहती हैं जो काम नहीं करती हैं डू दे टर्न आउट टू बी बेटर मदर्स देन वर्किंग मदर्स, तो ये एक बड़ी एक डिबेट सी है. मदीहा पहले मैं आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि आप काम भी करती हैं आपका बेटा डे केयर में जाता है. कुछ लोग बड़ा खौफजदा हो जाते हैं इस बात से कि तुम हो तुम माँ हो उसकी ढाई साल का बच्चा है डे केयर क्यों जा रहा है. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट. सो ये जो सवाल आप पूछ रहे हो ये तो हर कोई सवाल पूछता है. जब मैं सुबह बच्चों को डे केयर भी लेके जा रही होती हूँ तो लिटरली जो नेबर्स होते हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि आप कैसी माँ हैं जो सुबह सुबह उठा के बच्चे को डे केयर ले जा रही हैं. मगर मेरा एक्सपीरियंस हमेशा इस तरह रहा है कि इट्स बीन अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस. बच्चे स्केड्यूल में रहते हैं, बच्चे उनका एक स्लीपिंग टाइम, उनका गेटअप टाइम, उनका स्क्रीन टाइम कम होता है जो कि अक्सर जो बच्चे घर में रहते हैं उनका ज़्यादा होता है क्योंकि आप टीवी पे लगा के या मोबाइल पे भेज देते हैं. जी सो उस लिहाज से तो माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक कि अगर कहीं पे भी सर्विस है तो सर्विस के मयार को बेहतर करने के बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए, यानी कि उनको ब्लेम करें जो सर्विस को यूज़ करते हैं. तो बेसिकली आप कह रही हैं ज़्यादातर जब लोग खौफ ज़्यादा हो जाते हैं कि डे केयर में बच्चा छोड़ियो तो दे डोंट ट्रस्ट द डे केयर. यस यस दैट इज द प्रॉब्लम. वैसे आइडियल सिनेरियो तो यही हो कि जहाँ इंसान काम कर रहा हो वहीं पर एक डे केयर सेंटर हो, क्योंकि यू नो आप एक और प्रेमिसेस में जब अपने बच्चे को छोड़ के आते हैं बीइंग अ फादर इवन मेरा शायद माइंड उस तरफ ज़रूर काम के दौरान पांच दफ़ा जाए कि मेरा बच्चा एक और बिल्डिंग में बैठा हुआ है या एक और मोहल्ले में बैठा हुआ है किसी डे केयर में. अगर वो उसी प्रेमिसेस में होगा तो आई कैन ऑलवेज कीप अ चेक ऑन द किड, वो बेहतर होगा. तो एक आइडियल सिचुएशन है, एक आइडियल सिचुएशन होगा. आली जी आप क्या कहेंगी, आपको लगता है कि एक सर्टन एज तक अगर माँ बच्चे के सर पर रहे तो बेहतर होता है और उसके बाद चाहे अपना करियर परसू करना है बच्चे बड़े करके, यू नो 9-10 साल के, बड़े करने से हम 20 साल का नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 9-10 साल का करके उसके बाद अपना करियर वरियर कर लें, या फिर आप सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि किसी मोहल्ले वाले को इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपके घर के मामलात में दखल अंदाजी करे. बात यह है कि किसके घर में क्या चल रहा है, क्या माशी मसाइल हैं, वो सिर्फ वो खुद जानता है. तो ये फैसला माँ बाप खुद करेंगे और माँ बाप से ज़्यादा औलाद के लिए बेहतरीन सोच कोई रख नहीं सकता. ये तो पॉइंट नंबर वन. दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि काश के डे केयर सेंटर वही होते जो मेरे वक्त में थे कि खातून बिल्कुल बाहर काम करने जाएं लेकिन पीछे दादी दादा नाना नानी अपना ही कोई सरपरस्त हो, आप हेल्पर लीजिए आप मदद लीजिए लेकिन सरपरस्ती उनकी हो. आप बिल्डिंग की बात करते हैं वहाँ लोग ही बदल जाया करते हैं जहाँ डे केयर सेंटर होते हैं. आज जो हालात हम देख रहे हैं, जो केसेस आए दिन हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें ट्रस्ट लेवल बहुत कम हो गए. फिर जहाँ चेक एंड बैलेंस बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं है वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने मुंह से आपको बता भी नहीं पाएंगे. औरत का काम करना बहुत अच्छी बात है, औरत को पढ़ना चाहिए, बल्कि मैं कई दफ़ा कहती हूँ मर्द से ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके कंधे पर जिम्मेदारी है एक पूरे कुंबे की नहीं एक पूरी नस्ल की. दूसरा मैं कहती हूँ औरत को ज़्यादा इसलिए पढ़ना चाहिए कि जब वो जॉब के लिए निकले वर्क प्लेस पर जाए तो उसकी हैसियत बहुत मजबूत होनी चाहिए. वो औरत जो बहुत लोअर लेवल पर जाके काम करती है उनको किस किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनकी वो तालीम आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं. लेकिन जब आप कम तालीम के साथ बाहर निकलते हैं तो फिर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज़ औरत को देखने पड़ते हैं. तो मैं समझती हूँ औरत को बहुत बेहतरीन तालीम देनी चाहिए, औरत काम के लिए भी बाहर निकल सकती है, औरत कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों के अपने शौहर के और अपने घर की कीमत पर नहीं. उसकी इज्जत उसकी तभी होगी जब वो अपनी इन चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके कीमत कहती हैं तो आप हमें इस कीमत को किस तरह एक्सप्लेन करें. उसके घर को उसके बाहर निकलने से नुकसान नहीं होना चाहिए, ना उसके बच्चों को ना उसके शौहर को. यही तो पूछ रहे हैं कि घर से बाहर निकलने से बच्चों को नुकसान होता है. अगर वो सही अगर वो सही तरीके से प्रॉपर बैलेंस लेकर नहीं चलती, बहुत सारी औरतें जो घर में बैठी होती हैं बच्चों को स्क्रीन टाइम देती हैं बच्चों को मज़ीद ख़राब करती हैं, जो बाहर निकलती हैं वो बैलेंस लेकर चलती हैं. असल जो पॉइंट है वो बैलेंस का है प्लस सुपरविजन का. ट्रस्ट आप किस पे कर रहे हैं अपने. अब एक औरत जो अपने घर से सारे बुजुर्गों को निकाल दे, मैं किसी खास की बात कर रही हूँ आमतौर से नहीं होता, और उसके बाद ये सोचे कि दादी दादा नाना नानी या कोई अनमेरिड पप्पो या चाचा उन सबको निकाल कर अब हम नौकरों की भरमार घर में
कर लें तो क्या ही अच्छा हो, हमारे रिश्तों का ट्रस्ट लेवल दोबारा बढ़े। आलिया जी, कहना है जस्ट से कि कभी कभार ये चॉइस भी नहीं होता, ये निकालना या रखना, मतलब यू माइट बी इन अ डिफरेंट सिटी, यू माइट बी इन अ डिफरेंट कंट्री, मतलब कभी कभार आपको इतनी आइडियल चॉइस कि आपकी अम्मी खुद घर पर हों या बच्चों की दादी घर पर हों या दादा घर पर हों, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये होता नहीं है। बट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कि बहुत सी सर्वेज भी हुए हैं, रिसर्चेज भी हुई हैं कि अ वर्किंग वुमन जो कि बच्चे को डे केयर में डाल रही है या फिर वो अपने किसी और के साथ छोड़ रही है, डज शी टर्न आउट टू बी अ बेटर मदर? क्या वो बच्चे ज़्यादा सुलझे हुए होते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि माँ बाहर जा रही है काम करिए, उनके अंदर एक ऑलरेडी वैल्यू डिवेलप हो जाती है, या फिर जहाँ माँ 24 घंटे साथ होती है और जब आपको पता है कि 24 घंटे साथ हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो अटेंशन भी वही मिल रही हो, यू वॉन्ट योर ओन टाइम टू। मधिया, आप क्या कहेंगी? मैं इसमें दो तीन बातों की निशानदेही करना चाहूँगी। सबसे पहले एक कि हम यहाँ पर सिर्फ माओं की क्यों बात कर रहे हैं, बच्चों की पैदाइश में बाप का भी अमल दखल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई डे केयर का कोई सानहा भी होता है या कोई बेकार सही चीज़ नहीं होती तो उसमें माओं को ही क्यों ब्लेम हो रहा है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट मदरहुड, हम सब जानते हैं कि बच्चे की अच्छी परवरिश में बाप का भी उतना ही अमल दखल है। सो वी नीड टू स्पीक अबाउट पेरेंटहुड रादर देन जस्ट मदरहुड। एक और बात थी जो मैं जिसके बारे में आपको बताना चाह रही थी कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कानून साजी की है जिसके मुताबिक जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10% से ज़्यादा फीमेल्स काम करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस के अंदर डे केयर होना ज़रूरी है, और वो भी CCTV के साथ। और अगर वो माएँ जो बच्चों को फीड कराती हैं तो उनको इस बात की पक्की इजाज़त है कि वो 4 दफ़ा जाएँ और वो अपने बच्चों को फीड करा सकती हैं, उनके ऊपर नज़र रख सकती हैं। सो अगेन हम इस बात पे दोबारा आना चाहेंगे कि अगर सर्विस का मयार ख़राब है तो द डिस्कशन शुड बी अराउंड कि सर्विस के मयार को बेहतर कैसे किया जाए, कानून साजी कैसे की जाए। जो जिन कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं कि किसी बुजुर्ग का सर्वेलेंस हो, ये बहुत आइडियल कंडीशंस हैं। हर कोई इस कंडीशन से नहीं गुजर सकता। मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो मैं किसके पास बच्चों को छोड़ के जाऊँ? तो इसके बरक्स अगर मेरे पास कोई प्रोफेशनल अच्छी हेल्प मुझे मिल रही है जिसमें मुझे एक मेंटल पीस है कि मेरे बच्चे अच्छी जगह बढ़ रहे हैं कंपेयर टू द फैक्ट कि वो घर पे कुछ और किसी मेड के साथ कुछ और ना कर रहे हों, सो इट जस्ट गिव्स मी बेटर कम्फर्ट। और फिर डे केयर का कैन आई जस्ट ऐड, बिकॉज आप बच्चा अपना जब डालते हैं उस डे केयर सेंटर में तो दैट्स नॉट द ओनली चाइल्ड, मतलब और बच्चे भी होते हैं, देयर इज अ डिसिप्लिन, देयर इज अ सिस्टम, सोशलाइजेशन स्किल्स पे बहुत काम होता है, उनकी स्केड्यूलिंग पे बहुत काम होता है, उनकी अर्ली डेवलपमेंट स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम होता है। सबसे बड़ी स्क्रीन टाइम कम होता है क्योंकि ये आई वाज रीडिंग अ रिसर्च इंडिपेंडेंट की थी, as young as 2 years old, जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उनको तो 2 साल की उम्र में मेंटल इश्यूज डेवलप होना शुरू हो गए हैं। और क्या होता है कि माँ 24 घंटे घर में तो मौजूद है लेकिन चूंकि क्वांटिटी हम इस वक्त डिस्कस नहीं करें, अगर क्वालिटी हो और थोड़ी कम क्वांटिटी भी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि लेकिन माँ ने काम वाली के सर पे भी खड़े होना है, किचन में भी थोड़ा काम करना है और बच्चे को टीवी लगा दिया, मोबाइल दे दिया। टीवी इज वर्किंग एज अ बेबी सिटर दीज डेज। अच्छा, एक चीज़ जो मैं कहूँ कि जब हम माँ के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं घर की तो हमारी सोसाइटी बहुत बैलेंस सोसाइटी है, हम कमाने की जिम्मेदारी मर्द पर डालते हैं। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा जाता कि औरत ने कम क्यों कमाया, बल्कि ये कहा जाता है कि तो मर्द की जिम्मेदारी है कमाए और लाए। तो हमारी औरत का एक बड़ा अच्छा कंफर्ट लेवल, जब से ये बरे आज़म ये हमारे पास ये है सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर है, हमारा ये कल्चर रहा है, और हमारे मज़हब को लें या कल्चर को लें, हमारे यहाँ मर्दों पर ये भरपूर जिम्मेदारी है कि वो कमा कर लाएंगे, और बिल्कुल उन पर ये बहुत, और ये कोई आसान काम नहीं है। मर्द का कमा कर लाना, किसी भी इंसान का कमा कर लाना कोई मामूली काम नहीं होता, हम कहेंगे बहुत हल्का फुल्का कोई काम कर रहा है। उसके साथ फिर हमने इसको यूँ बैलेंस किया कि औरत जो है वो घर की जिम्मेदारी, ताकि एक घर संभाल ले एक बाहर संभाल ले, उस मर्द का घर में किसी वक्त किचन में काम कर लेना या बच्चे का डायपर बदल देना नो बिग डील, वो ये काम कर सकता है और करते हैं। और इसी तरह औरत का बाहर निकलना और अगर चाहे उसको वो अपने किसी कैरियर को परस्यू करना चाहती है, वो अपने घर में बेहतर अर्निंग लाना चाहती है और मर्द की उसके पास सपोर्ट भी है, वो ज़रूर निकले। तो मैं ये कह दूं कि जी सिर्फ औरत के हक के लिए बात करके मर्द कुछ नहीं कर रहा होता, सुबह से रात तक वो मेहनत करता है, कमाता है, ला के बीवी को देता है, और उसका बीवी को लगता है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ इसी तरह बन सकती है जब मैं खुद कमा के लाऊँ, उसकी सारी कमाई बीवी के हाथ में आती है। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं नाना नानी दादा दादी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान में जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज हैं, जो रिलेशंस को जानती हैं, जो अपने इकदार को जानती हैं, वो बहुत सारे रिश्तों को साथ लेकर चलती हैं। फिर मैं कह दूं कि मैं ये नहीं कहती कि किसी को हक इख्तियार है कि आपकी फैमिली में इंटरफेयर करे, लेकिन उसके बाद अगर हम ये सोचें कि गैर को तो हम पैसे भी दे देंगे,
मैंने सिर्फ कहा दादा दादी नाना नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, उसके बाद आपके और बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आपके अपने बहन भाई होते हैं, अपने कजन्स होते हैं, सारे अपनों को छोड़ के पैसा भी आप बाहर दे रहे हैं, ट्रस्ट लेवल भी आप बाहर कर रहे हैं। अगर मजबूरी है, आपने एक बात कही थी कि जी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर, हाँ पाकिस्तान के बाहर सिनेरियो कुछ और होगा, पाकिस्तान के अंदर अभी भी फैमिली यूनिट्स हैं, उनको तोड़कर छोड़कर और बाहर जाने में। कैन आई जस्ट ऐड आलिया जी एंड मदीहा आल्सो, आपने तो डे केयर यूज़ किया हुआ है, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है ना, और ऑब्वियसली उनके माँ बाप वगैरह साथ नहीं है, एक मजबूरी सी है, वो जब डे केयर भेजते हैं बच्चों को तो वो एक सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है, वो इट वर्क्स आउट सो मच बेटर फॉर देम, क्योंकि वहाँ आप डे केयर और वहाँ पर हमें ये भी चल रहे हैं, डे केयर में बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को चपेड़े पड़ी होंगी, कहीं भी, बट इट इज स्टिल अ वेरी रिलेटिवली न्यू थिंग। एक तो न्यू थिंग है, आप डाउट कर रहे हैं कि वो सही होगा आपका, उसमें भी टेंशन एक पड़ी हुई है, दूसरा आप लोगों को भी सुन रहे हैं, बिकॉज अभी भी अगर आप डे केयर भेजेंगे अनफॉर्चुनेटली बच्चों को, मतलब ये डिबेट विल कम अप कि आपने दादी के साथ क्यों नहीं छोड़ा। एंड कैन आई जस्ट से, आजकल दादियाँ भी, हर दादी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि एक बच्चा मेरे साथ छोड़ दो, एवरीबडी इज़ वेरी बिजी, दे हैव देयर लाइफ, सो लिहाजा मतलब हमारे डे केयर ही बेहतर कर दो ताकि हमारा निज़ाम तो वो चलता रहे। मैं थोड़ा सा इसमें इस बात की भी वजाहत करना चाहूँगी कि देखिए, उनके अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं है जो अपने घर में बैठ कर अपने बच्चों को पालना चाहती है, मगर हम उन औरतों के ख्वाबों पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं जो आसमा जहांगीर बनना चाहती हैं, बेनजीर भुट्टो बनना चाहती हैं, शर्मीन उबैद बनना चाहती हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल्स क्यों नहीं लेकर आ रहे सामने, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम फील गिल्टी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो मैं ये कह रही हूँ कि हमें अपने सर्कल को बड़ा करने की ज़रूरत है, बच्चों के परवरिश का जो एक सर्कल है उसमें जहाँ पर आपके पास ट्रेडिशनल स्टे एट होम मदर्स थी, उसमें आप वर्किंग मदर्स को भी डालें, उसमें आप फादर्स को भी डालें, उसमें आप स्टे एट होम फादर्स को भी डालें। हाँ, क्यों नहीं किसी बाप के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने घर में अगर बच्चे की बैठ के परवरिश करे, सो ही कैन डू अ गुड जॉब, और अगर औरत बाहर निकल के काम करना चाहे। सो कोई भी माशरा जब प्रोग्रेस की तरफ जाता है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक औरतें उस इकोनॉमिक तमाम जेंडर्स को हर जेंडर रोल में आप किसी में फिक्स ना करें, हर एक हर रोल में आप एक्सेप्ट करें, तो मेरा ख्याल है तभी आप प्रोग्रेसिव माशरे की तरफ जा सकते। और ये कौन सी माँ बेहतर है इसका कोई फैसला नहीं है, माएँ सभी अच्छी होती हैं, माएँ सभी बेहतर होती हैं, कोई माँ अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहती। लेकिन सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स जब आप अपना करियर बनाने के लिए बाहर जाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स जब आप मजबूरी के तहत भी बाहर जाते हैं। वो वैल्यूज जो हमारी अच्छी है, उन वैल्यूज को पकड़ कर रखने में हमारी बका है। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू मदीहा जावेद हमारे साथ थी और आलिया सारे साहिबा हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हमें ट्विटर पे लोगों के मैसेजेस आते हैं तो बहुत बार आप लोगों को, आप देख लें वैसे तो बहुत बार ये कहा जाता है कि शायद इस तरह होना नहीं चाहिए, और आप लोग डिबेट को उस तरफ शायद लेके जा रहे हैं कि लड़कियां बाहर निकलें काम करें। भाई हम रियलिटीज ऑफ द कंट्री को एक्नॉलेज करें, हेंस हम सामने लोग लाते हैं, एग्जाम्पल्स लाते हैं आपके सामने ताकि आपको पता हो कि बहुत तरीके से लोग रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से भी गुजरे हैं, अपने आप के लिए आसान भी करें, द वर्ल्ड इज़ मूविंग ऑन, तो वो आइडियल सिचुएशन।